ओके सर, तो यहाँ मुझे डेटा को लुकअप करना है दूसरे शीट पे। ये हमारा हो गया मान लीजिए मेन डेटा एम डेटा के नाम से, और मुझे यहाँ पे ई डेटा हमने यहाँ पे चाहिए, और हम चाहते हैं कि एक-एक कॉलन छोड़ के डिले, एक-एक कॉलन, नेम तो ले ही ले, नेम के अलावा एक-एक कॉलन छोड़ दे, ये छोड़े जैन छोड़ दे, फैब मार्च ले, अप्रैल छोड़ दे, मई ले, मई जून छोड़ दे, जुलाई ले, इस तरह से चाहिए। और उसका डेटा यहाँ एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आना हाँ चाहिए, बिल्कुल, राइट। हाँ चलिए इसके लिए हम माइक्रो लगाते हैं। मैंने यहाँ पे किया सब, और मान लीजिए कि आर आर नाम का माइक्रो दे दिया, मैं नाम कुछ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे दो लूप लगाएंगे। पहला लूप होगा फोर आई इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 2, अब फाइव मुझे फाइव है तो फाइव टू ना टू डाल के फाइव मैं टू इसको इसको ऑटोमेट टू कर देता फाइव हूँ। हाँ ऑटोमेट कर देता हूँ मैं, ठीक है सर। जी रेंज एंड एक्सेलेस अप डॉट रो, ठीक सर, है। टू तो टू 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 भी नहीं टू आएगा, भी टू नहीं आएगा यहाँ पर। नहीं, टू नहीं, हमें नेम भी तो चाहिए क्योंकि इसमें हेडिंग नहीं रखा ना मैंने। यहाँ पे हेडिंग ओके है, नहीं ओके हेडिंग, ठीक है जी, और हेडिंग भी तो ऐसा है ना कि एक एक छोड़ के हेडिंग भी तो उठाना है। ठीक ठीक है जी, ठीक है है, जी, ठीक हाँ है। अब यहां फोर का जो लूप लगेगा वो लगेगा टू से, ठीक है ना। यहां पे हमने किया इक्वल, यहां पे जे इक्वल टू 2 2, और इसको भी ऑटोमेट कर देते हैं। तो हमने लिख दिया रेंज एफ एक्स डी वन डॉट एंड, सॉरी डॉट एंड एक्सएलएस टू लेफ्ट लेफ्ट डॉट कॉलम जी डॉट कॉलम, ठीक है सर, जी कॉलम हो गया। और यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट आई। अब इसमें मैं स्टेप टू कर देता हूं, नेक्स्ट जे, नेक्स्ट जे सर जी सर हाँ नेक्स्ट जे, हाँ कर देता हूँ टू। अब यहां पे मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ बाकी डेटा लेने से पहले, एम जी एस जी बॉक्स, और हमने यहां पे कर दिया जे, ठीक है। एक बार रन करता हूं, टू आया, ठीक है, फोर जी आया, आ रहा है सर, टू थ्री फोर, हाँ चौथा नंबर कॉलम 1 2 3 4, चौथा नंबर कॉलम आ रहा है, फिर 6 आएगा, आ रहा है सर। जी चलिए एक मिनट, इसको कैंसिल कैसे करते हैं, अब इस मैसेज बॉक्स को मैं यहां से हटा देता जी हूं। अब यहां एक लूप चलेगा, तो सबसे पहले हमें जो है नहीं, क्योंकि मुझे इसको तो लूप में नहीं डालना है ना सर, राइट। सर ये तो आएगा ही नहीं लूप में। लूप से बाहर आएगा ना ये, फोर लूप में नहीं जाएगा, हेडिंग वाले लूप में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने टू से इसलिए तो लिया है ना सर। अच्छा इसके बाद यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे सीट का नेम देना पड़ेगा, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी इसको। तो यहाँ पे जी, देंगे एम डेटा, इट्स एम डेटा ओके, और यहां भी जी, हम कर देंगे ई डेटा शीट्स ई डेटा एम डेटा, ये भी एम डेटा होगा सर, ई डेटा ई नहीं डेटा एम डेटा, अच्छा एम एम डेटा, डेटा एम एम डेटा। डेटा हाँ अब यहां हम करेंगे रेंज, पहले ऊपर में यहां रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट डॉट पेस्ट स्पेशल नहीं ऑफसेट अच्छा ऑफसेट ऑफसेट 1.0 वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोला यहां पे
रेंज सीट देना होगा, सीट्स एम डेटा डॉट रेंज ए कॉलन के साथ हमने आई लगा दिया डॉट वैल्यू, वैल्यू और यहां भी हमें सीट्स का रेफरेंस देना होगा, सीट्स ई डेटा। अब यहां देना है हमारा ई डेटा, ठीक है सर, जी ई डेटा। ओके, अब जी यहां हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहां आते हैं, और इस बार जो है हमारा एक वेरिएबल लेंगे डिम, आर इक्वल टू आर एज ए मैंने मान लिया इंटीजर, और यहां पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, ठीक है, और यहां हमने जीरो कर देता हूं, यहां पे जीरो रो एंड अगली कॉलम मतलब कि आर कॉलम डॉट वैल्यू। अब ईएम डेटा में यहां पे रेंज हट जाएगा, यहां पे क्या होगा सेल, सेल्स इसमें आई रो एंड जे कॉलम, सिंपल, जी बस आपका मैक रो तैयार हो। हमें इसको वन फिलहाल टेस्ट करने के लिए 1 बाय 1 रन करता हूं, तो यहां आया और इसने जाके अगर देख लीजिए डेटा शीट पे इसने यहाँ पे नेम डाल दिया, ठीक है सर, यहाँ पे जैन मार्च मई जून नवंबर, फिर यहाँ पे पूजा डाला। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि आर जो है वैल्यू डली जा रही है ना, तो यहाँ पे हमें करना है आर इक्वल टू जीरो खाली करना हो, ठीक है ना। सो दिक्कत हो गई यहाँ पे, एक बार स्टॉप करता हूँ यहाँ पे इसको, और तो दोबारा रन कर, इसलिए टेस्ट करना जरूरी होता है सर। चलिए एफेक्ट रन हुआ, रन दिख रहा है, फिर यहाँ पे वापस पूजा 50 75 80 आ गया नंबर डेटा आ गया 32, हाँ फिर जी यहाँ हाँ पे जी नेक्स्ट आ गया हमारा मोहन का, तो एक बार मैच कर लेते हैं 50 65 88, 50 65 88, 85 80 85 80, क्लियर हाँ सर, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर जी क्लियर। तो ये हमारा बन गया, हमें इसको एक बार रन कर दो तो पूरा डेटा। अब क्या मुझे बात दो है दो जी। दो दो रो छोड़ के चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप स्टेप जो हम लोग ऊपर टू लगाया हुआ है स्टेप टू की जगह पे स्टेप थ्री हो जाएगा, फोर में आई जैसा है, आई में कुछ अचार नहीं होगा सर, अच्छा आई में स्टेप कब करेंगे, जब मुझे एक एक रो छोड़ना है, मुझे ए नहीं लेना है, मुझे ए लेना है, मुझे ए नहीं लेना है, ए लेना है, तब आई में स्टेप लगाएंगे, ओके 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 समझ गए। ये ठीक है जी। फाइल कोडिंग भेज दो कि पूरी फाइल भेज दो, सर मैक्रो भेज दो मुझे। ठीक है, इसकी कोडिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है चलो जी। थैंक ठीक यू है। सर। मुझे ना ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है।